हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगी। आज का जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये साड़ी हर किसी के पास होती है और हम इस पे मेकअप कैसे करें वो हम आज देखने वाले हैं। आई होप आपको आज का मेकअप लुक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कुछ तो कर दिया कीजिए प्लीज़ गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगिर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेकअप लुक है वो बांधनी प्रिंट साड़ी से रिलेटेड होने वाला है। ऑफकोर्स अगर कोई भी साड़ी पहनता है या किसी की शादी होने वाली है तो उसके जो ब्राइडल कलेक्शन है उसमें से एक साड़ी ऐसी ज़रूर होती है, या मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसे बांधनी प्रिंट की साड़ियाँ पसंद ना हो। क्योंकि एक तो ये एवरग्रीन होती हैं, मतलब इनका फैशन आप कभी भी पहन लो, कभी आउट नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साड़ी के साथ, क्योंकि मेरे पास भी ये साड़ी थी, तो मैंने सोचा इसके साथ मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूं। और यस, ये इसी का ही ब्लाउज है, बट मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके की लगवाई हैं, एंड मिक्स मैच करके आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर भी था। इसमें मल्टी कलर्स होते हैं, तो मैंने इसकी स्लीव्स इस तरीके की बनवाई हैं, आप देख सकते हो। और ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो इस साड़ी से रिलेटेड है। इसमें वही कलर हैं जो मैंने अपनी आई लुक में क्रिएट किए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं आज जो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है वो कैसे किया है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। टोनर मैंने अप्लाई कर लिया था, ठीक है। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, जो भी आपकी स्किन केयर के अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो वो अप्लाई करें। देन फिर आप लगाएंगे लिप बाम। और यहाँ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये निविया का लिप बाम है। काफ़ी अच्छा लिप बाम है और बहुत ही अफोर्डेबल है, 49 या 47 रुपीज़ का है, ठीक है। फिर मैंने प्राइमर के लिए आज लगाया है एलोवेरा जेल। जैसे ही वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए उतने में मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था। और मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का फुल कवरेज फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, और आज मैं कोई कंसीलिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगती है, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या किसी और भी वजह से आप उसको ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कवरेज बनाना चाहते हैं, तो आप कंसीलिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ओनली फाउंडेशन से भी अपना पूरा जो फेस का बेस है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। डैप करते हुए अच्छे से अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। और कंसीलिंग भी मैं मतलब अंडर आई के नीचे थोड़ा सा, हमें ज़्यादा पार्ट चाहिए होता है, मतलब थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए होता है, तो मैंने उसी फाउंडेशन को यूज़ किया है एज अ कंसीलर भी। मतलब आप लगा लीजिए, उसको दोबारा लगा लिया है या कंसीलिंग कर लिया है, एक ही बात है, ठीक है। फिर उससे कॉम्पैक्ट से कर लिया सेट। ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट था, आप चाहें तो लूज़ पाउडर या फिर वाइट टोन फेस पाउडर आता है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी कवरेज है, उसे यूज़ करेंगे। फिर अपने आईज़ को मैंने एक न्यूड कलर के आई शेडो से पहले सेट कर लिया, और फिर अपनी क्रीज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं ये ऑरेंजिस सा शेड लगा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इसमें थोड़े से ज़्यादा कलर मैंने यूज़ किया है मेकअप को क्रिएट करने में, लेकिन ये सिंपल है, आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लगाने के बाद फिर ये मैंने लाइट पिंक कलर, लाइट भी नहीं कह सकते, डार्क भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये पिंक शेड लिया है, तो अपनी क्रीज पे लगाया है इसको, यानी जो हमने ऑरेंजिस लगाया था कलर, ऑरेंज कलर, उससे नीचे हमने इस पिंक टोन को लगाया है और ब्लेंड कर दिया। फिर ये जो पर्पल सा शेड आपको मैंने अभी शो किया था उससे मैं अपनी क्रीज पे इसको लगाऊंगी, ताकि जो हमारी क्रीज है वो अच्छे से डिफाइन हो, मतलब वो अच्छे से उभरे कि वहाँ पर थोड़ा डार्क कलर है, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप अपनी ब्लेंडिंग करेंगे ना, आपका मेकअप, आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। और जो सेंटर में पार्ट बच गया था उस पर मैंने ऑरेंज कलर का, ऑरेंज जो आई शेडो होता है वो फिल किया, और सेंटर पे ही मैं ये लगा रही हूँ। फ्लफी ब्रश है, उससे मैंने ये पिगमेंट्स लिए हैं, ये प्रेज ग्लिटर्स हैं। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। और फिर ये और जो पर्पल सा शेड है इसको मैंने जस्ट अपने आउटर वी पे लगाया है, ताकि आउटर वी हमारा थोड़ा सा डार्क लगे, आप देख सकते हो।
आप देख सकते हो दोनों आईज़ पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। और जब भी आप ग्लिटर्स या प्रेस ग्लिटर्स अप्लाई करें अपने आईज़ पे, तो प्लीज़ जेल जो मतलब लिक्विड वैसे लाइनर होते हैं ना, या तो लिक्विड लाइनर या फिर जेल बेस लाइनर जो होता है वो लगाएं, ठीक है। क्योंकि पेन लाइनर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, मैंने कई बार नोटिस किया है। तो फिर अब आप लिक्विड लाइनर अगर लगाओगे तो अच्छे से चलेगा, ठीक है। और जो भी फॉल आउट हुआ था उसको हाइड करने के लिए मैंने लगा लिया था अगेन वही फाउंडेशन और सेट कर लिया। फिर हम कर रहे हैं कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग कर ली, नोज़ की कॉन्टोरिंग कर ली है। कॉन्टोरिंग से आपका फेस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और फीचर्स काफ़ी उभरते हैं। और देखो इस पैलेट में से मैंने ये मैजेंटा टाइप शेड लिया, इससे मैं ब्लश लगा रही हूँ और ये काफ़ी पिगमेंटेड था, काफ़ी मैंने ज़रा सा डिप किया था और इतना सारा प्रोडक्ट आ गया था, आप देख सकते हो। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ है आपके हर मेकअप को नेचुरल बना देता है, आप देख सकते हो। तभी लगाया था कितना डार्क लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको ब्लेंड किया तो एकदम नेचुरल शाइन दे रहा है। फिर मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये स्टॉप हाइलाइटर है, सॉरी मेरी वॉइस थोड़ा सा आज चेंज हो रखी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फिर हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर आप देख सकते हो फिंगर की हेल्प से लगाना है और इसको अपर डायरेक्शन में नहीं ब्लेंड करना, डाउन डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। और अगर आप इस तरीके से हाइलाइटर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी शाइन आएगी और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा यू नो हाइलाइटर लगा लिया है। नोज़ की हाइलाइटिंग भी आप इसी तरीके से किया कीजिए, बहुत अच्छा नेचुरल एकदम ग्लो आएगा। ब्राउ बोन की हाइलाइटिंग करें, काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे आई मेकअप हमारा बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे पूरे मेकअप को इन्हेंस करती हैं। अगर हम एक दो चीज़ भी स्किप कर देते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। अब आप देख सकते हैं ये जो मैं लगा रही हूँ कलर, ये है डार्क मेजेंटा शेड, आप देख सकते हो उसको। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी आई मेकअप को कम्प्लीट करने में, ज़रूर किया कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। जो वाटर लाइन के नीचे का एरिया होता है उसको स्मज जरूर किया कीजिए। और ये लगा रहे हैं हम लिपस्टिक इनसाइड का, और ये हमारा फाइनल लुक है गाइज। आप देख सकते हो इस साड़ी में भी आप यू नो मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये साड़ी ट्रेडिशनल होती है, इनमें हम यू नो अच्छा सा मेकअप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अगर आपकी साड़ी में और कलर हैं तो आप और भी अच्छे से रेडी हो सकते हैं। जो कलर मैंने पिक किया है इनके अलावा आप कोई और कलर पिक कर सकते हो, डेफिनेटली आप बहुत सुंदर लगने वाले हैं और ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।